मोदी जो देश के लाडले प्रधानमंत्री है, उनका जन्म दिवस आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और उसके माध्यम से रक्तदान शिविर है, बाकी के दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारे शिविर है। मेरे मंत्रालय के तरफ से पूरे देश भर में 75 शिविर आयोजित किए हैं और उसमें मतलब जो अलीमको कंपनी हमारी कानपुर में, उसके माध्यम से जो ईडीप जो योजना है उसके अंतर्गत हम मतलब उनको स्मार्ट फोन है, व्हील चेयर है, कान की मशीन है, या अलग अलग जो साहित्य होता है वो भी साहित्य हम 75 जगह पर बांट रहे हैं। आज मैं यहाँ महात्मा फुले नगर वर्ली में आया हूँ, यहाँ भी रक्तदान शिविर हो रहा है। हमारे अर्जुन दत्ता मेघे जी, इन्होंने मतलब ये ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष संजय पवार जी है, भारती जी यहाँ मौजूद है और हम सब लोग जो है नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं पूरे दुनिया के नंबर वन के नेता है और वो देश के विकास के लिए सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसलिए देश में दिख रहा है प्रकाश। क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश भर में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है और उन्होंने ये कहा था कि इसे सेवा के माध्यम से मनाना चाहिए। गोर गरीब दीन दलित शोषित पीड़ित जो समाज के आखिरी सिरे पे आदमी है उसके सेवा के लिए उनका जन्मदिन मनाना चाहिए और उसके तहत आज महाराष्ट्र में गांव के कोने कोने में महाराष्ट्र का युवा मोर्चा के माध्यम से रक्तदान कर रहा है और यहाँ भी हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे युवा नेता मेघे जी, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है। हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इस एरिया की युवा शक्ति मोदी जी के जन्मदिन पर अपना खून एक दृष्टि से समाज के लिए दे रही है, मैं ये दोनों लोगों का तहदिल से अभिनंदन करता हूँ और भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ से हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता की सेवा हो और भगवान उनको बहुत बड़ी ताकत दे और हमें भी सुबुद्धि दे कि उनका जैसा नेता फिर 2024 में देश के सेवा के लिए आए। युवाओं में ऊर्जा तो बहुत होती है लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा देना और वो दिशा से देश निर्माण के तरफ हम युवाओं को काम करने की सही मार्गदर्शन किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और हमारे देश को, भारत देश को विश्वगुरु बनाने के लिए जो राह पर चल रहे हैं मोदी जी, उस राह में हम सब युवा उनके साथ हैं। ये उद्देश्य से आज उनके जन्म दिवस पर पूरे देश भर में और खासकर मुंबई में 36 विधानसभाओं में युवा मोर्चा के माध्यम से 7500 ऐसे ब्लड यूनिट हम युवा मिलकर डोनेट करने वाले हैं और मैं आदरणीय हमारे पंतप्रधान जी के नेतृत्व में जो युवा काम कर रहे हैं, खास करके हमारे मुंबई युवा मोर्चा के महामंत्री श्री अर्जुन मेघे जी, उन्होंने भव्य तरीके से सैकड़ों युवाओं को जोड़कर जो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है, इसके लिए मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ और वो और सारे युवा मिलकर देश की प्रगति के लिए राह पर चले और अपना योगदान दे, यही अपेक्षा हम सब उनके साथ करते हैं। सर, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आदरणीय पंतप्रधान जी एक मिसाल है हम युवाओं के लिए पूरे देश के अंदर, इस तरीके से निरंतर देश सेवा में अपने आप को झोंकना चाहिए और कहीं ना कहीं अपना योगदान देश के निर्माण में हमें करना चाहिए। तो मैं सब युवाओं से ये अपील करूँगा कि आप भी सही दिशा देखकर मोदी जी के दिए हुए दिशा पर चलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, कहीं ना कहीं तरीके से अपने योगदान आना जरूरी। मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्या सगळ्या तरुण आणि युवा मुलांचं आणि युवतींचं एकच इच्छा आहे की मोदीजींचं आयुष्य सुख समृद्धी आणि त्यांचं आरोग्य एक निष्ठपणे चांगलं राहावे आणि 2024 पण त्यांच्या नेतृत्वामध्ये या भारताचं निवडणुकी आम्ही लढवणार आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की 2024 मध्ये ही मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये हा देश पुढे जाणार। सर, पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज
उनके वाढ़दिवस निमित्त पूरा महाराष्ट्र में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। उसी तरह हमारे मुंबई अध्यक्ष माननीय श्री आशीष जी शेलार और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई तेजेंद्र सिंह तिवाना, हमारे बड़े नेतृत्व युवा आइकॉन अर्जुन जी मेघे, इनके नेतृत्व में हमने आज वर्ली विधानसभा में ब्लड कैंप आयोजित किया है। कितने लोगों ने आज यहाँ पे ब्लड दिया? अभी तक एक घंटे के अंदर अभी 24-25 जन का हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा करने की संभावना हम कर रहे हैं। ब्लड डोनेट किया है, चक्कर वक्कर तो नहीं आ रही? चक्कर वक्कर कुछ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है तो इसके खुशी में चक्कर भी नहीं आएगा और किसी को कुछ थकान भी नहीं होगी, और उल्टा खुशी हो रही है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पे मैंने कुछ मेरा एक कर्तव्य निभाया था। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मोदी जी अपने जो तो कारवा चालू किया है उन्होंने देश को बढ़ाने का, वो तो कारवा ऐसे ही बढ़ाते रहे, देश विदेश में हर जगह भारत का परचम लहराते रहे।